फ्रेंड डॉक्टर आरके वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं, पशुओं को यदि इंट्राइटिस हो जाती है या डायरिया हो जाता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसमें लक्षण कैसे दिखते हैं, पहचान कैसे की जाती है, साथ ही साथ में इसके इलाज और बचाव के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एंट्राइटिस होती क्या है। एंट्राइटिस का मतलब यह होता है जो इंटेस्टाइन होती है, जो पशुओं की इंटेस्टाइन होती है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण जो पशु की आंत होती है इंटेस्टाइन वो सूज जाती है, उसको हम लोग एंट्राइटिस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसका मतलब इसके कई कारण होते हैं। एक तो कारण यही होता है कि मतलब जो डिकम्पोज्ड यानी कि सड़ा गला जो फीड होता है उसको खा लेने से हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया है जैसे ईकोलाई का बैक्टीरिया उसके का इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, या वायरस है उसके कारण से हो सकता है, या फंगल प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के कारण से भी पशुओं में एंट्राइटिस या मतलब डायरिया हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें यदि पशु को एंट्राइटिस हो जाती है तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, हम लोग कैसे पहचाने कि हमारे पशु को एंट्राइटिस हो गई है, यानी कि उसमें क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो एंट्राइटिस में क्या होता है, पशु मतलब पतला गोबर करने लगेगा। आप देखेंगे पूंछ के चारों तरफ उसमें गोबर लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। खास करके जो यंग काप होते हैं, बछड़े हो गए या बछिया हो गई, उसमें आपको डायरिया के केस ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। डायरिया के एक और कारण हो सकता है, जैसे यंग स्टेज में क्या होता है, बछड़ा यदि ज़्यादा दूध पी लेता है तो उसको पचता नहीं है, जब पचता नहीं है तो मतलब डायरिया करने लगेगा, उसके कारण से भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार के आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। जब डायरिया करने लगेगा वो सुस्त कमज़ोर हो जाएगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है एडवांस स्टेज में, आप देखेंगे पशु आपका पूरी तरह से रिकम्बेंट लेट जाएगा। जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, दूध देना कम कर देते हैं, यानी कि उन्हें मिल्क ड्रॉप मिल्क जो होता है डाउन होने लगता है, वो ना तो प्रॉपर अच्छे से खा पाते हैं, पानी कम पीते हैं, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उनकी जो आंत होती है सूज जाती है, इसकी वजह से उनको मतलब बार बार दस्त होने लगता है। ये हो गया इसका लक्षण। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि यदि पशुओं में एंट्राइटिस हो जाती है तो उसकी क्या पहचान होती है। तो यदि पशु को एंट्राइटिस हो जाती है तो उसको हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। कहीं मतलब देखें क्या होता है, पशु जब नई नई घासें खा लेता है तो उस कंडीशन में भी आपको, खास करके जो बारिश का सीजन होता है उसमें आपको पशुओं में देखेंगे कि मतलब डायरिया के ज़्यादा केसेस आपको मिलेगा, या गर्मी का जो सीजन होता है बहुत ज़्यादा जब फीड खा लेता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो पशु जो पशु होता है पचा नहीं पाता है, तो उसके वजह से पशुओं में डायरिया हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पूरा कंफर्म करके ही आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इस कंडीशन यदि पशु को डायरिया हो जाता है, वो चाहे किसी भी प्रकार का डायरिया हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, चाहे छोटा पशु हो या बड़ा पशु हो, दोनों को ट्रीटमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि पशु को डायरिया हो जाता है तो आप मतलब जो एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है, यदि कई दिनों से डायरिया रुक नहीं रहा है तो जो बड़े पशु हैं आप उसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं, 10 से 12 ml इंट्रामेस्कुलर। जो छोटे पशु हैं आप उसको 2 से 3 ml इंट्रामेस्कुलर एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये तब देना है आपको जब डायरिया लंबे समय से हो रहा है, डायरिया रुक नहीं रहा है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, एक पाउडर आता है नेवलान करके पाउडर आता है, वो एंटी डायरियल पाउडर होता है जो बड़े पशु होते हैं उसमें इनकी जो डोज होती है कम से कम 50 ग्राम आप पशु को पानी में घोल करके उसको सुबह शाम 2 बार आप दे सकते हैं। जो छोटे पशु हैं जैसे बछड़ा हो गई, बछिया हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, तो इनको आपको क्या करना है, 15 से 20 ग्राम आपको पाउडर लेना है, 1 लीटर पानी लेना है,
उसमें आपको पाउडर को अच्छे से प्रॉपरली घोल लेना है और अपने पशु को पिला देना है। ये दूसरा आपको काम करना है। तीसरा, जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा, बहुत सुस्त कमज़ोर हो गया है, 3 4 दिन से लगातार वो पतला गोबर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फिर फ्लूट थेरेपी ही देना है। उसके अलावा उसका कोई उपचार नहीं है। फ्लूट थेरेपी में जैसे डीएनएस हो सके तो वो डीएनएस, आरजेल, मेट्रोजेल, ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आप देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डीएनएस आपको कितना देना है, जैसे डीएनएस आप एक मतलब जो छोटा पशु है 500 लीटर की जो ओ सॉरी जो 500 ml की डीएनएस की बाटल आती है वो आप पूरा चढ़ा सकते हैं। जो आरजेल है उसका आधा कर सकते हैं, जो मतलब मेट्रोजेल है वो आप पूरी बाटल भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्लूट थेरेपी ट्रीटमेंट आपको अपने पशु को करवानी है। जब फिर उसके बाद बात करते हैं, यदि आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो आप उस कंडीशन में अपने पशु को हिमालय 32 का जो पाउडर आता है, जो बड़े पशु होते हैं कम से कम उसको 20 से 25 ग्राम या 50 ग्राम भी अपने पशु को फीड में मिला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। जैसे तो उससे क्या होती है कि आपका पशु खाने लगेगा। यदि हिमालय 32 का पाउडर नहीं है तो आप जो बेला मिल का इंजेक्शन आता है, भूख नहीं लग रही है तो आप उसको जो बड़े पशु होते हैं 10 ml इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं, जो छोटे पशु हैं 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं अपने पशु को। इस प्रकार जैसे मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशु को जो मतलब पतला गोबर कर रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा 2 3 दिन में। ये आपको 2 3 दिन ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ही आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। एंटीबायोटिक अगर बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स में इसमें जैसे जेंटामाइसिन हो गई वो अच्छा काम करती है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन है वो आप बड़े पशुओं में कम से कम 15 से 20 ml इंट्रामेस्कुल लगा सकते हैं, या फ्लूट थेरेपी के साथ इसको आप IV भी दे सकते हैं। यदि आपके पशु को बुखार भी हो रहा है तो आप मिलाक्सिकेम प्लस पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आता है वो आप अपने पशु को 10 से 12 ml बड़े जो पशु हैं उसको इंट्रामेस्कुलर दे सकते हैं, जो छोटे पशु हैं उसको कम से कम 3 से 5 ml आपको इंट्रामेस्कुलर लगानी है। 2 3 दिन तो आपको ये ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।